आत्मदाह करेंगे यहाँ पे, हम लोग एकदम प्रण करके आए कि हम लोग नियुक्ति लेके ही जाएंगे। शिक्षा मंत्री बार बार आश्वासन देते हैं सर, झूठ बोलते हैं कि अब कर देंगे अब कर देंगे सर, लगे अभी तक हम लोग किए नहीं सर, हम लोग 2-3 साल से ठोकर खा रहे हैं। मिलने जाते हैं तो बोला जाता है कि बहुत जल्द, पता नहीं सर ये 3 सालों से बहुत जल्द ये होता क्या है, हम लोग को यही नहीं समझ आता है। सुबह सुबह आवास पे पहुंच गए इतने सारे, इसीलिए ताकि हमारी उम्मीदों पे पानी न फिरे, हमें आप उम्मीद है शिक्षा मंत्री जी से तो हमें वो चीज मिले। लेकिन 3 साल से सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि इनका रिजल्ट हो रखा है, इनको ज्वाइनिंग दें। इसमें भी सर डाउट है कि न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन कब मिलेगी, जिंदा रहने पे मिलेगी या मरने के बाद मिलेगी ये पता नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन मिलेगी, क्योंकि पिछले 3 साल से आश्वासन के बदौलत हम लोग जिंदा है और कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ से। करो या मरो, डू और डाई, आज या तो आप कुछ आदेश दें जारी करें या फिर हमें आप यहाँ आत्महत्या करने की अनुमति प्रदान करें। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं शिक्षा मंत्री के आवास पे स्टेट अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग क्या मांग लेके पहुंचे हैं। सर हम लोग फिजिकल टीचर अभ्यर्थी हैं सर, हम लोग अभी तक हम लोग 3 साल से सर अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है सर, इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सर। तो क्या होगा, क्या लग रहा है? क्या सर, शिक्षा मंत्री बार बार आश्वासन देते हैं सर, झूठ बोलते हैं कि अब कर देंगे अब कर देंगे सर, लगे अभी तक हम लोग किए नहीं सर, हम लोग 2-3 साल से ठोकर खा रहे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे तो सर हम लोग का महीना भी नहीं मिल रहा है सर, कोरोना के चलते हम लोग त्रस्त हो गए सर, और शिक्षा मंत्री पर विश्वास भी नहीं है कि हम लोग करेंगे सर। बार बार हम लोग 12 दिसंबर के बाद लोग करने वाले थे सर, अभी तक हम लोग किए नहीं सर, हम लोग बहुत नाखुश है सर, हम लोग एकदम भूखे मर रहे सर, हम लोग रोड पे गए बैकफुट पे गए सर। तो आज सुबह सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पे, हाँ हम लोग सर आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए सर, हम लोग कहाँ कहाँ से आते हैं सर, दोस्त 2019 में हम लोग परीक्षा पास करके रोड पे भटक रहे हैं सर, जब हम लोग का प्रतिनिधि मिलने जाते हैं तो बोला जाता है कि बहुत जल्द, पता नहीं सर ये 3 सालों से बहुत जल्द ये होता क्या है, हम लोग को यही नहीं समझ में आता है। देखिए शिक्षा मंत्री के आवास पे सुबह सुबह पहुंच गए, आप बताइए क्या मांग लेके पहुंची हैं? नौकरी और क्या, नौकरी हाँ। क्या लग रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा सुबह सुबह, क्योंकि आवास पे आप लोग पहुंच गए इतने सारे लोग? उम्मीद तो लग रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन चूंकि 2 साल से हम लोग को इस तरह से किया जा रहा है तो फिर थोड़े बहुत ना उम्मीद। क्या किया जा रहा है 2 साल से, क्या बीत रहा है? हम लोग को बार बार बोला जा रहा है हो जाएगा प्रोसेस में, बट प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। स्टेट अभ्यर्थी को न्याय, नौकरी चाहिए, हमारा डेट इशू करवा दीजिए, हमें ऑनलाइन जो भी है हमारा प्रोसेस करवा दीजिए, सारे फिजिकल वाले। हाँ सारे फिजिकल वाले, सारे फिजिकल हाँ सारे स्टेट। कितना कितने साल मेहनत किए और अभी भी कुछ हो नहीं रहा है? 2 साल से तो कर ही रहे हैं हाँ। और आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और आज सुबह सुबह आवास पे पहुंच गए इतने सारे, इसीलिए ताकि हमारी उम्मीदों पे पानी न फिरे, हमें आप उम्मीद है शिक्षा मंत्री जी से तो हमें वो चीज मिले। आवास में आ गए हाँ बिल्कुल, उम्मीद के आस में सुबह सुबह पहुंच गए। देखिए सर हम नवादा जिला से आए हुए हैं, एक तो 3 साल से प्राइवेट स्कूल बंद हो गई है, हम लोग एकदम बेरोजगार लाचार हो गए हैं सर, ऐसा लगता है कि क्या करें, सोचने से भी मजबूर हैं। लेकिन सरकार हम लोग को शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करें और नियुक्ति पत्र दें, सरकार से यही निवेदन आरजू विनती करते हैं। सुबह सुबह तो शिक्षा मंत्री के आवास पे पहुंच गए आप लोग, क्या मांग है? देखिए सर हमारी मांग एकदम सीधी सादी है, हम 3523 शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो पास हैं, 8386 पद है, लेकिन 3 साल से सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि इनका रिजल्ट हो रखा है, इनको ज्वाइनिंग दें। अभी तक उन्होंने रवि प्रकाश सर ने बस एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने सीट का आवंटन किया, लेकिन 24 तक उन्हें बोला गया कि आप अल्टीमेटम दिया गया कि 24 तारीख तक आपको न्याय मिलेगा। सर उम्मीद तो है लेकिन जानते हैं उसमें भी सर डाउट है कि न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन कब मिलेगी, जिंदा रहने पे मिलेगी या मरने के बाद मिलेगी ये पता नहीं है। आए दिन सर हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, आप लगातार आप मुझे लग रहा है कि आप लगातार लड़कियों को लड़कों को सिखाते भी हैं। हाँ सर हाँ, एक्चुअली सर हम वहाँ पे नेशनल लेवल के कोच भी हैं और खुद हम इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं थ्रो बॉल का जी, उसके बावजूद जो है अभी ये दिन देखना पड़ रहा है। अब बताइए आने वाला जो फ्यूचर जो है, जो भविष्य जो है, जो बच्चों उन लोग हम क्या सिखाएंगे, क्या आप स्पोर्ट्स में आइए हम कभी... जब आपके पास सब चीज है तो आप इन लोग का साथ देने आए हैं, अपने लिए भी न्याय लेने? नहीं नहीं अपने लिए भी न्याय लेने आए हैं, अपने लिए भी। एक्चुअली हम खुद है ना एसेट क्वालिफाई है फिजिकल टीचर वाले में और अभी तक 3 साल हो चुका है और ये लोग कोरोना का हवाला देते हैं कि कोरोना के कारण हम कुछ नहीं कर पाए, कोरोना में बहुत सारा चीज बहुत सारा काम हुआ लेकिन सिर्फ हमारा बहाली छोड़ करके सारा काम इनका हो रहा है और इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा किसी का स्थिति खराब हुआ है तो आप फिजिकल टीचर
का हुआ है। सब्जेक्ट टीचर क्या करते थे कि वो ट्यूशन पढ़ा करके ऑनलाइन पढ़ाए, ट्यूशन भी उनको मिलते रह गया, कोचिंग भी मिलते रह गया। पेरेंट्स क्या बोलता है कि आप लोग तो फिजिकल टीचर, आप लोग क्या पढ़ाइएगा। नॉलेज हमें भी है लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम आप लोग क्या पढ़ाइएगा, क्या पढ़ाइएगा। स्कूल से हम लोग वंचित हो गए, स्कूल भी हम लोग को निकाल दिया और अभी तीन साल से बेरोजगारी का जानते हैं हम लोग दंश झेल रहे हैं। चलिए आप बताइए न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। सर हम लोग न्याय की गुहार के लिए ही सर हम लोग आए हैं सर, सुबह से ही बताइए इतने ठंडी में हम लोग जाड़ा पाला में आए सर। तीन तीन तो कंटेम्प्ट आर्डर हम लोगों के पास में है सर और सरकार सर हम लोगों का नहीं सुन रही है सर, जो कि न्याय ये गुहार लगाने पहुंच गए ये लोग सारे के सारे पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? देखिए हम काफी उम्मीद है इन लोगों से क्योंकि हम लोग काफी मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं बहुत दिनों से, तीन साल से वेट कर रहे हैं। एग्जाम पास करने के बाद हम लोगों को लगा कि आसानी से हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, बट तीन साल से हम लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। आप बताइए शिक्षा मंत्री के पास तो पहुंच गए सुबह सुबह, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा या फिर से वही हाल? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन मिलेगी क्योंकि पिछले तीन साल से आश्वासन की बदौलत हम लोग जिंदा है और कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। आज भी लगता है कि आश्वासन ही मिलेगा, कुछ लोग पांच सात लोग गए हुए अंदर में, देखिए क्या आगे डेडलाइन मिलती है या फिर शेड्यूल हमारी मांगे पूरी करो लेके खड़े हैं। जी सर, यस सर, हम लोग क्या है ना सर कि पिछले तीन साल से माननीय महोदय से केवल कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते कर करके हमारा बहाली लिया जाएगा मगर कोई हो नहीं रहा है सर। हम जहानाबाद जिला से बिहार से आए हैं सर, बहुत हम लोग का हालत खराब है सर। नहीं मिला आज तो क्या करेंगे, डेट नहीं मिला तो फिर तो जो है रोड पर तो है ही। और अच्छे रोड पर तो आप लोग रहते ही थे जब प्रोटेस्ट करते थे, आज आवाज तक पहुंच गए। हम लोग अभी तक घर में रहते थे, अब रोड पर आए हैं। और इसके पहले एक बार रोड पर आए थे तो सरकार देख ली थी कि क्या किए थे हम लोग। अभी जैसे एनटीपीसी की है ना, क्या पता बिहार के शिक्षक भी उस रास्ते पर। एनटीपीसी के बाद स्टेट अभ्यर्थी, स्टेट अभ्यर्थी अब जी जान से लगे हुए हैं, करो या मरो, डू और डाई। आज या तो आप कुछ आदेश दें जारी करें या फिर हमें आप यहां आत्महत्या करने की अनुमति प्रदान करें। आज हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हर तरफ से इतने दुखी हो चुके हैं कि अब हमारे घर में बस एक ही क्वेश्चन होता है कि नियुक्ति आपकी कब होगी, बस ऐसे ही चल रहा है टाल मटोल। लेकिन आज करो या मरो, घर में भी लोग पूछते हैं, लोग क्या मतलब जितने फैमिली मेंबर्स हैं रिलेशन में सारे लोग यही पूछते हैं, यही पूछते हैं, कोसते हैं कि क्या टीचर बन के करोगे, टीचर का क्या फ्यूचर है, इससे बढ़िया तो आप MBA BBA इंजीनियरिंग ये सब कर लेते तो प्राइवेट नौकरी तक मिल जाती है आपको, हमें प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। हमारी ये स्थिति हो चुकी है शारीरिक शिक्षकों की। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जितना सीट है 8386 टोटल सीट है फिजिकल टीचर का खाली ऑलरेडी, और हम लोग मात्र 3523 क्वालिफाइड हैं। लगातार ये लोग शिक्षा मंत्री के आवास में पहुंचे हुए हैं, देखिए नारेबाजी हो रही है। जी हां, शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर नारेबाजी आपको दिख रही होगी, सारे के सारे स्टेट अभ्यर्थी हैं फिजिकल वाले। लोग का साफ कहना है कि एनटीपीसी ने जो बवाल किया था उससे ज्यादा हम लोग कर देंगे अगर हम लोग को आज डेट नहीं मिला। डेट नहीं मिलेगा तो आज क्या करेंगे? आज पूरा घेराव है। देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो आवास के सामने से भीड़ हटा रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या लोग हटते हैं या नहीं हटते हैं। जी हाँ, देखिए आज डेट नहीं मिला तो क्या करेंगे? आज डेट मिला तो फिर हम लोग इनसे मांगवाएंगे, फिर हम लोग आत्मदाह करेंगे यहाँ पे। हम लोग एकदम प्रण करके आए कि हम लोग नियुक्ति लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नियुक्ति लेके जाएंगे। इसलिए इन्होंने खुद कहा कि हम मिठाई खिलाएंगे, तो मिठाई हम लोग को खिलाएं तो हम लोग यहाँ से भेजे। आज आवास घेर लिया आप लोग? आज आवास हम लोग को एकदम हर जिले से लड़के आए हैं, हर जिले का हुआ है कि हम लोग चल के आपस मिला जाए, पांच प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए लोग। देखिए माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं। देखिए डेट चाहिए नहीं तो ये लोग रोड पे तो उतर ही आए। देखिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास को घेर लिया गया है, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।